हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं, मैं शुभम सरधालिया एक और टॉपिक पे, एक और विषय पे बात करने के लिए आ चुका हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध जो है वो उड़ीसा राज्य से है। तो उड़ीसा के अंदर टसर सिल्क यान, टसर सिल्क एक प्रकार की वेराइटी है सिल्क की, तो टसर सिल्क के यान को बनाने का यान प्रोडक्शन सेंटर जो है उड़ीसा में बनाया जा रहा है। सिल्क यान उत्पादन केंद्र जो है वो उड़ीसा के अंदर बनाया जाएगा। कौन सा सिल्क? टसर सिल्क के प्रोडक्शन के लिए। तो उड़ीसा राज्य से इस आर्टिकल की हम बात करेंगे। अगर आप उड़ीसा स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीएससी हो चाहे जुडिशरी हो, कोई भी एग्जाम अगर आप उड़ीसा स्टेट के अंदर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारे बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करना है और अपनी प्रेपरेशन को आप स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बना सकते हैं। आर्टिकल कहता है, फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर्स ओडिशा हैज बीन नोन फॉर इट्स एक्विजिट सिल्क, पर्टिकुलरली द टसर सिल्क वेराइटी विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू थाउजेंड्स ऑफ ट्राइबल वेमेन, ट्राइबल पीपल, पर्टिकुलरली वेमेन। तो सैकड़ों वर्षों से ओडिशा जो है, ओडिशा राज्य जो है वो अपने उत्तम रेशम के लिए, हाई क्वालिटी सिल्क के लिए जाना जाता है। इसमें सबसे स्पेशल वेराइटी जो है वो है टसर सिल्क की। तो टसर वेराइटी जो है सिल्क की वो यहाँ की बहुत ज्यादा फेमस है। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, टसर सिल्क को बनाने की प्रक्रिया में, हजारों लोग जो है उनका रोजगार यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जिसमें ज्यादातर जो है वो आदिवासी महिलाएं हैं। तो हजारों की संख्या में आदिवासी महिलाओं को, आदिवासी लोगों को आजीविका जो है ये पूरा का पूरा टसर सिल्क मैन्युफैक्चरिंग जो है, प्रोडक्शन जो है वो दे रहा है। बट द सिल्क वीवर्स इन स्टेट वर टोटली डिपेंडेंट ऑन स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड कर्नाटका फॉर दिस सिल्क यान। प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि उड़ीसा के अंदर इसको जो है वो सिल्क को, इसकी वीविंग करके इसको जो है वो कपड़े में बदला जाता था, लेकिन ये सिल्क जो है वो सारा का सारा उड़ीसा से ना आते हुए ये बाहर के राज्यों से आता था। ये पश्चिम बंगाल से आता था, झारखंड से आता था, कर्नाटक से आता था। वीव होगा, स्पिन होगा उड़ीसा में, लेकिन रॉ मटेरियल बाहर से आएगा। जब बाहर से रॉ मटेरियल आ रहा है तो उसकी कॉस्ट जो है वो जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी। एक चीज हम अपनी स्टेट में प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको प्रोसेस कर रहे हैं, दूसरी चीज जो है उसको हम दूसरे राज्य से लाकर के प्रोसेस कर रहे हैं। तो जो बाहर के राज्य से आई हुई चीज होगी उसकी कॉस्ट जो है वो डेफिनेटली ज्यादा होगी। इस वजह से क्या होता था कि जब वेस्ट बंगाल, झारखंड और कर्नाटक से सिल्क आता था तो कॉस्ट ऑफ फैब्रिक जो है वो बढ़ जाता था, तो इस कपड़े की लागत जो है वो बढ़ जाती थी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए भारत का जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, KVIC, सुना होगा आपने, खादी और ग्राम उद्योग आयोग, KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है, उन्होंने एक ऐतिहासिक पहल जो है वो करी है, जहां पर ओडिशा राज्य के अंदर टसर सिल्क यान का प्रोडक्शन सेंटर जो है वो बनाया जा रहा है। चौद्वार इन कटक डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा के कटक जिले के चौद्वार इलाके में ये टसर सिल्क यान का प्रोडक्शन सेंटर जो है बनाया जा रहा है। यहां पर इस टसर सिल्क को जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कि अब स्पिनिंग भी ओडिशा में होगी, कपड़ा भी ओडिशा में बनेगा और जो सिल्क प्रोड्यूस हो रहा है वो भी ओडिशा में होगा। अब वेस्ट बंगाल, झारखंड या कर्नाटक में जाने की जरूरत नहीं है, जिससे अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ फैब्रिक जो है वो डिक्लाइन करेगा। ओवरव्यू में ये आर्टिकल जो है वो बात करता है। द सिल्क यान प्रोडक्शन सेंटर विंग एंश्योर लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ टसर सिल्क यान। सिंपल सी बात है, अब टसर सिल्क के लिए बाहर नहीं जाना है, लोकली हमको वो सिल्क जो है वो मिल जाएगा। लोकल इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, सिल्क का प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम होगा। तो दो फायदे साइमल्टेनियसली साथ ही साथ हमको मिलेंगे। पहला फायदा जो है वो क्या होगा, सिल्क जो है वो लोकली मिल रही है, लोकली मिल रही है तो कॉस्ट जो है वो कम होगी। दूसरा क्या है, जब प्रोडक्शन सेंटर टसर सिल्क का लगेगा तो वहां पर इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो बढ़ेंगी और यहां पर लोकल लोगों के लिए रोजगार के अवसर जो है वो पैदा होंगे। टसर सिल्क इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वेराइटीज ऑफ सिल्क दैट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स कोर्सनेस एंड पोरस वीव दैट गिव इट अ रग्ड एंड रस्टिक अपीयरेंस। टसर सिल्क जो है ये रेशम की एक बेहतरीन किस्म में से एक है। इसका खुरदरापन और झरझरी बुनाई जो है वो इसको बाकी सिल्क के वेराइटीज से जो है वो अलग करती है। आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, दिखाऊंगा कैसे दिखती है ये टसर सिल्क। द डेवलपमेंट अज्यूम्स ग्रेट सिग्निफिकेंस है। सिल्क कंप्राइजेस नियरली 75% ऑफ टोटल खादी फैब्रिक प्रोडक्शन इन ओडिशा। ओडिशा के अंदर जितना खादी के कपड़े का उत्पादन होता है उसका
75% जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिल्क के कपड़े का है, सिल्क के फैब्रिक का है। तो क्योंकि एक मेजर पोर्शन जो है वो इंडस्ट्री सिल्क के ऊपर निर्भर करती है, और सिल्क पहले बाहर से आता था, अब लोकली सिल्क जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा, इस वजह से काफी ज्यादा लाभ जो है वो सभी को मिलेगा। दिस सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर विल क्रिएट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट फॉर 50 आर्टिसंस इंक्लूडिंग 34 वेमेन, बिसाइड प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड सपोर्ट टू ओवर 300 ट्राइबल फार्मर्स एंगेज्ड इन कुकून फार्मिंग। सिल्क कैसे बनता है? सिल्क आप जानते हैं रेशम का कीड़ा होता है, सिल्क वॉर्म होता है, उससे सिल्क जो है वो बनाई जाती है, एक मौत होता है जिससे सिल्क जो है वो बनाई जाती है। जब ये प्रोडक्शन सेंटर बनेगा तो ऐसा नहीं है कि मशीन से सिल्क बनेगी, सिल्क फिर से ककून फार्मिंग से, मौत से, रेशम के कीड़े से ही आएगी। ये प्रोडक्शन सेंटर जो है ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली 50 कारीगरों को जो है वो यहाँ पे रोजगार देगा। इन 50 में से 34 कारीगर जो है वो महिलाएं होंगी, 34 वेमेन होंगी, इनको डायरेक्ट लाइवलीहुड मिलेगा। प्लस इसके आसपास 300 आदिवासी किसान, उनको फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ककून की फार्मिंग करते हैं, ककून की खेती, जिससे फिर बाद में सिल्क जो है, रेशम जो है वो मिलती है, उस खेती को करके ये किसान जो है अपना गुजारा करते हैं। तो ये प्रोडक्शन सेंटर जो है उन 300 किसानों से ककून जो है वो लेगा, उसको सिल्क में, टसर सिल्क में जो है वो बदलेगा, और बाद में इसकी वीविंग जो है वो की जाएगी। तो ओवरऑल एक सप्लाई चेन मैकेनिज्म जो है यहाँ पे बनेगा, जिससे उस चेन के साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति जो है वो लाभ प्राप्त कर पाएगा। इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगी। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगी 50 लोगों की, जिसमें से 34 महिलाएं हैं। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट सबसे पहले 300 किसानों की जो यहां पे ककून फार्मिंग कर रहे हैं, और उसके अलावा बहुत सारे वीवर्स रेशम बना करके क्या करेंगे, उसकी बुनाई करेंगे, अल्टीमेटली कपड़ा बनाना है। तो जो लोग कपड़ा बनाते हैं, क्योंकि अब सिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा कपड़ा बनेगा, तो वीवर्स जो इसको कपड़ा, इस रेशम के धागे को कपड़े में बदलते हैं, उनको जो है वो रोजगार के अवसर। एवरी 1 किलो ऑफ रॉ सिल्क प्रोड्यूस्ड क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर 6 आर्टिसंस, आउट ऑफ विच 6 आर वेमेन। हर 1 किलो कच्चे रेशम के उत्पादन से 11 कारीगरों को रोजगार जो है वो मिलता है। उस 1 किलो सिल्क को कपड़े में, फिनिश गुड्स में बदलने के लिए 11 कारीगरों की जरूरत पड़ती है, जिसमें से 6 जो है वो महिलाएं होती है। तो 11 कारीगरों के लिए रोजगार पैदा होगा, जिसमें से 6 जो है वो महिलाएं होंगी। तो काफी ज्यादा लाभ जो है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे जो है वो मिलेगा। सेटअप कॉस्ट ऑफ ₹75 लाख वुड बी यूज फॉर प्रोडक्शन सेंटर। इस प्रोडक्शन सेंटर, इस उत्पादन केंद्र को बनाने के लिए लगभग 75 लाख रुपए कॉस्ट जो है वो आएगी। एंड इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 200 kg ऑफ सिल्क यार्न वर्थ 94 लाख एनुअली। 94 लाख यानी कि लगभग 1 करोड़ रुपए की मूल्य का 200 किलो सिल्क जो है वो हर साल इस प्रोडक्शन सेंटर से निकलेगा। यानी कि अब ओडिशा सालाना 200 किलो सिल्क जो है, रेशम जो है, टसर सिल्क जिसको कहते हैं, वो प्रोड्यूस करेगा। धीरे धीरे इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो बढ़ाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि 200 पे इसको लिमिट कर दिया जाएगा। जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होगी, इन ऑर्डर टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड, प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो बढ़ाई जाएगी। यहां पर ये जो है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन द्वारा जो है वो किया जा रहा है। द सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर इज इक्विप्ड विद एडवांस मशीनरी लाइक सिल्क रीलिंग मशीन, री रीलिंग मशीन, स्पिनिंग मशीन एटसेट्रा। ये जो यार्न उत्पादन केंद्र है, यहां पर सबसे आधुनिक मशीनरी का इस्तेमाल जो है वो किया गया है, जिसमें अलग अलग मशीन, जिसमें सिल्क रीलिंग मशीन है, री रीलिंग मशीन है, स्पिनिंग मशीन है, ये सारी अत्याधिक टेक्नोलॉजी वाली आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। यहां पर हम बात कर रहे हैं टसर सिल्क के बारे में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टसर सिल्क को समझना भी जरूरी हो जाता है। क्या है दरअसल ये टसर सिल्क? टसर सिल्क एक वैरायटी है जिसको वाइल्ड सिल्क, टासार सिल्क या तुसार सिल्क के नाम से जाना जाता है। दरअसल एक एक्विजिट थ्रेड है विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ वाइड विंड मॉथ दैट इज येलोइश ब्राउन इन कलर। एक विस्तृत पंखों वाले पतंगे से ये धागा जो है, एक उत्कृष्ट धागा जो है वो प्राप्त होता है। ये मॉथ जो है, ये पतंगा जो है, वो पीले भूरे रंग का होता है। इस तरीके का यान जो है वो बनता है। देखिए गोल्डन ग्लो वाला ये है टसर सिल्क। देखने में ही इसकी क्वालिटी और टेक्सचर कितना बेहतर लग रहा है, देखने में कितना शानदार जो है वो नजर आ रहा है। ये है टसर सिल्क। कहां से मिलता है? ये मिलता है एक मॉथ से। द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस मॉथ इज एंथीरिया पैफिया। एंथीरिया पैपिया या एंथीरिया पैफिया जो है वो इस मॉथ का नाम है। दे आर दी पार्ट ऑफ द ग्रुप नोन एज एम्परर मॉथ और सैटरनिड्स।
तो एम्परर मॉथ और सैटर्निड के जाने वाले ग्रुप का संबंध, ग्रुप से संबंध रखते हैं ये एंथेरिया पॉपिया। दीज मॉथ्स आर अ ट्रू वंडर ऑफ नेचर। ये अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला प्राणी है, देखने में कुछ इस तरह का लगता है। तो जिस तरीके का यान है कुछ उसी ही तरीके का कलर जो है इस मॉथ का है, और इसके ऊपर ये गोल आकार के टेक्सचर जो है वो बने होते हैं। ये जो है इसको बहुत अलग बनाता है, ये जो है इस मॉथ से, इस टसर सिल्क जो है वो बनता है। देयर विंग्स आर एम्बलिश्ड बाय अ सर्कुलर मार्किंग्स दैट लुक लाइक अ मिरर। इनके पंखों पर गोल आकार चिन्ह जो है वो बने होते हैं जो कि शीशे की तरह दिखते हैं। दे लुक लाइक मिरर। व्हेन यू लुक क्लोजली इनटू दिस सर्कुलर मार्कर्स यू विल बी एबल टू सी योर रिफ्लेक्शन। ये इतने वास्तविक होते हैं कि जब आप बहुत करीब जाकर के इन गोल आकार टेक्सचर्स के बीच में देखेंगे, आपको अपनी परछाई, अपना चेहरा जो है वो नजर आएगा। तो ये मिरर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इनके शरीर पे बने होते हैं। ये होता है मॉथ जिसे टसर सिल्क जो है वो बोलते हैं। इस टसर सिल्क को कोसा सिल्क भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा में इसको कोसा सिल्क कहा जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोसा सिल्क जो है वो किस सिल्क की वैरायटी है? तो टसर सिल्क का ही दूसरा संस्कृत नाम जो है वो कोसा सिल्क है। प्रोड्यूस्ड मेनली इन इंडिया टसर इज हाईली वैल्यूड फॉर इट्स गोल्ड कलर। मैंने आपको पहले भी दिखाया किस तरीके का खूबसूरत सुनहरा रंग जो है वो इस सिल्क का नजर आ रहा था। तो इसके खूबसूरत रंग के लिए इसको जो है वो हिंदुस्तान के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है इस मॉथ, इस पतंगे की मदद से। एज फार एज द हिस्ट्री ऑफ द ओरिजिन ऑफ टसर सिल्क इज कंसर्न देर इज वेरी लिटिल डेटा रिगार्डिंग द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन। जानने की हमने कोशिश करी कि कब से ये टसर सिल्क जो है हिंदुस्तान में बन रही है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा आंकड़े या जानकारी इसके बारे में उपलब्ध नहीं है कि पहली बार कब ये टसर सिल्क जो है वो बनना शुरू हुई, किसने बनाई, कहाँ बनी, इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन टसर सिल्क जो है वो एक बहुत ही शानदार वेरायटी है सिल्क। ये पूरी की पूरी प्रोसेस क्या थी? न्यूज आर्टिकल कहता था कि टसर सिल्क के लिए प्रोडक्शन सेंटर ओडिशा में बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो है एक स्टैचूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है, एक स्टैचूटरी बॉडी है जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, आप जानते हैं जितनी भी स्टैचूटरी बॉडीज होती हैं उनको किसी ना किसी पार्लियामेंट के एक्ट की बैकिंग प्राप्त होती है। क्योंकि केवीआईसी भी जो है वो स्टैचूटरी बॉडी है, तो इसको खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956 के अंतर्गत जो है वो बनाया गया था। इन अप्रैल 1957 इट टुक ओवर द वर्क ऑफ फॉर्मर ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। 1957 से पहले भारतीय खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड हुआ करता था, अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड। तो इसको रिप्लेस कर दिया गया था केवीआईसी से 1957 में। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने इस ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड को रिप्लेस करा था। ये केवीआईसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर अधीन आता है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत ये केवीआईसी जो है वो कार्य करता है। केवीआईसी का काम क्या होता है? इट प्लान्स, प्रमोट्स, ऑर्गेनाइजेस एंड इंप्लीमेंट्स प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। तो खादी एवं ग्राम उद्योगों के विस्तार के लिए, उनके विकास के लिए, उनके प्रचार के लिए, उनके आयोजन के लिए ये केवीआईसी जो है वो काम करता है। मुख्य रूप में इसका काम जो है इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर जो है ये प्रदान करने का काम करता है। वही चीज इन्होंने यहां पर भी की है। केवीआईसी ओडिशा में टसर सिल्क का प्रोडक्शन सेंटर बनाने वाला है जहां पर इंप्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। डायरेक्ट इंप्लॉयमेंट भी होगा, इनडायरेक्ट इंप्लॉयमेंट भी होगा। डायरेक्ट इंप्लॉयमेंट होगा उन 50 लोगों के लिए जो यहां पे काम करेंगे। इनडायरेक्ट इंप्लॉयमेंट होगा उन 300 किसानों के लिए जिन जो ककून रेयरिंग करते हैं, जिनका ककून ले जाकर के ये टसर सिल्क बनाई जाएगी। और उसी के साथ में वो वीवर्स जो इस कपड़े को बुनेंगे उनको भी जो है वो इनडायरेक्ट इंप्लॉयमेंट इस इनिशिएटिव से जो है वो मिलेगा। तो ये है पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। आर्टिकल जो है वो संबंध रखता है उड़ीसा राज्य से। उड़ीसा के अंदर स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम प्रेपरेशन में। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करना है और अपनी प्रेपरेशन को स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।